लेकिन रवि भट्ट की जो पहचान है वो मनीष कश्यप से है। भाई सीधी बात, आप भी जानते होंगे, लोग भी जानते हैं, रवि भट्ट जी अयोध्या के हैं, बिहार के नहीं हैं। मनीष कश्यप बिहार के हैं। पहले हम लोग सोचते थे ना कि रिपोर्टर क्या होता है, जो आज तक न्यूज़ चैनल पे होता है वो रिपोर्टर हो गया, चाहे जो बड़े टीवी पे आता है वो लोग न्यूज़ रिपोर्टर है। लेकिन जब मनीष कश्यप इस फील्ड में घुसे तब सभी लोग समझा कि नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर सिर्फ वही नहीं है, हर एक बंदा वो न्यूज़ रिपोर्टर है जिसके पास खबर है, जिसके पास मुद्दा है, जो बोल सकता है। कहीं ना कहीं एक और चीज़ हंसी लगता है कि बीजेपी में खाली शामिल हो गए उसके चक्कर में वो चुनाव नहीं लड़े, कम से कम टिकट दे देता। देखो बात समझ में आता कि टिकट मिला, मतलब खाली शामिल होने के चक्कर में। दूसरे तरफ पवन सिंह जी हमारे शामिल थे, पार्टी ठुकरा दिए, कहला कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जब अगला बंदा यानी मनीष कश्यप सामने से माफ़ी मांगा है, भाई सामने से माफ़ी मांगा। मैंने भी मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू लिया, ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा कि भैया आपसे नाराज़ है दोस्त लोग, क्या कहना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन लोगों से। मनीष कश्यप जी मेरे वीडियो में साफ साफ बोले, अब क्या मनीष कश्यप गोर पे गिर जाएं, हे रवि भैया हे माफ़ कर दा। ये सवाल हम मनीष कश्यप जी से पूछे थे अपने इंटरव्यू में, वो में भी यही बोले वो बात, और ये बात सही भी है। वो चंदा लिए नहीं थे। हाँ ऐसा होता ना कि वो स्कैनर जारी करते, अकाउंट नंबर जारी करते और ले लेते 1 करोड़ चाहे 2 करोड़ चाहे 1000 रुपया ले लेते और उसके बाद बैठ जाते, तो हम भी गाली देते, हम भी कहते कि चंदा चोर है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पैसा नहीं लिए। और बीजेपी में शामिल हो करके वो, उनको भी अंदर से अब लगता ही होगा, क्योंकि कहाँ एक ज़माना जब मनीष कश्यप के YouTube वीडियोस पर देखते होंगे लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, अभी हजार लाख लाख जाते जाते पूरा स्वाहा हो जा रहा है। क्या लगता है कि आगे अगर वो पॉलिटिकल पावर में चाहें कि विधानसभा का चुनाव हाल ही में होने वाले हैं 2025 में, तो क्या अगर उभरते हैं तो उस प्रकार से प्रेम मिलेगा लोगों का? नहीं, उस प्रकार से नहीं मिलेगा, ये भी सच है। क्योंकि मनीष कश्यप जो चेहरा बन गए थे, वो चुनाव अगर लड़ते, हार जाते तो भी ब्रांड रहते, तो भी जनता प्यार करती, अगले साल जो विधानसभा का चुनाव 2025 में है उसमें प्यार मिलता। लेकिन अब एक दूसरा छवि बन गया, एक दूसरा इमेज बन गया मनीष कश्यप को लेकर। अब सबके दिमाग में ये घुस गया क्या कि मनीष कश्यप भी ये वही है जो सब है ना, वही है, ये भी वैसा नहीं है कि गरीबों के लिए ये सब दिखावा करता है, तो ये असर पड़ेगा। अभी हमारे साथ बिट्टू सिंह जी हैं, और मनीष कश्यप जब जेल में थे और मनीष कश्यप के काफ़ी वीडियो और मनीष कश्यप को लेकर के जो भी लोग वीडियो बनाते थे उनके खिलाफ में, उनके सपोर्ट में आवाज़ उठाते थे, और उनके खिलाफ में जो इनके उनके खिलाफ में वीडियो बनाते थे उनको लेकर काफ़ी हद तक आवाज़ उठाए हैं और समाज सेवी हैं, और बहुत बहुत स्वागत। तमाम आपके चैनल को देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा बिहार, सभी को मेरा प्रणाम है, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका दिए हैं आपने चैनल पर कुछ भी बोलने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है जो मनीष कश्यप जी जो अब भाजपा में जुड़ गए थे, तो उनके साथ जितने भी करीबी लोग थे उनको जो ना कहने का शौक है, अभी भी काफ़ी लोग जो हैं उनके मित्र हैं, जैसे कि सबसे करीबी मित्र माने जाते हैं अयोध्या के रवि भट्ट जी हैं, तो उन्होंने अपना ऑफिस भी खोला वहाँ पे पटना में, लेकिन सारे अपने मित्र अपने दोस्त जो भी जिनसे लगाव हो उनका उन लोग को बुलाएं, लेकिन मनीष जी को नहीं बुलाएं, इसको किस प्रकार से देखते, ऐसा क्या करना उचित है? क्या बोले, सही में बताइए, अगर रवि भट्ट जी अगर देख रहे बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन रवि भट्ट की जो पहचान है वो मनीष कश्यप से है। भाई सीधी बात, आप भी जानते होंगे, लोग भी जानते हैं, रवि भट्ट जी अयोध्या के हैं, बिहार के नहीं हैं। मनीष कश्यप बिहार के हैं। पहला, अगर कोई आप भी आज माइक लेकर आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन मिला है वो मनीष कश्यप के थ्रू मिला है। पहले हम लोग सोचते थे ना कि रिपोर्टर क्या होता है, जो आज तक न्यूज़ चैनल पे होता है वो रिपोर्टर हो गया, चाहे जो बड़े टीवी पे आता है वो लोग न्यूज़ रिपोर्टर है। लेकिन जब मनीष कश्यप इस फील्ड में घुसे तब सभी लोग समझा कि नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर सिर्फ वही नहीं है, हर एक बंदा वो न्यूज़ रिपोर्टर है जिसके पास खबर है, जिसके पास मुद्दा है, जो बोल सकता है। जब मनीष कश्यप इस फील्ड में आए, वो उभरे, तब रवि भट्ट जी जो है उनका मनीष कश्यप से दोस्ती हुआ,
उस समय रवि भट्ट को कोई जानता भी नहीं था और उनका कोई पहचान नहीं था। आज रवि भट्ट जी बहुत अच्छा हमको शुभकामनाएं देते हैं, तरक्की कीजिए। आज पटना में उनका ऑफिस हुआ, मतलब यूपी में जो है बिहार में भी उनका एक धाक जम गया। किसकी वजह से? क्या मनीष कश्यप की वजह से? नहीं। क्या नहीं तो बताइए कि जब मनीष कश्यप जेल में थे तो वो कौन इंसान था जो मनीष कश्यप के लिए वीडियो बनाता था? खाली बिट्टू सिंह था कि रवि भट्ट भी थे ना जी? रवि भट्ट उनके नाम पे वीडियोज भी बनाते थे, चलिए सपोर्ट के लिए ही बनाते थे, आवाज ही उठाते थे, लेकिन बनाते थे तो कुछ कमाई भी तो होता था। चलिए जो नाम बना उनका, अरे दोस्त है, गलती करेगा, मान लिया जाए। जब अगला बंदा यानी मनीष कश्यप सामने से माफी मांगा है, भाई सामने से माफी मांगा। मैंने भी मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू लिया, ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा कि भैया आपसे नाराज है दोस्त लोग, क्या कहना चाहिए? मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ उन लोगों से। मनीष कश्यप जी मेरे वीडियो में साफ साफ बोले, अब क्या मनीष कश्यप गोर पे गिर जाए, हे रवि भैया हे माफ कर दा? अरे माफी मांग लिया अगला बंदा अगर दिल दुखाया है तो, लेकिन आप क्या किए? आमंत्रण नहीं दिए, इन्विटेशन तक नहीं दिए, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप कोई इस पर तीखा टिप्पणी नहीं किए हैं। खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन दोस्ती अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, उनका जो है बीजेपी के साथ जाना कोई मुसीबत था या दबाव था? क्योंकि इतना उनको प्रेम मिल रहा था जनता के बीच से, लोग उनको चंदा चोर के नाम से पुकारने लगा कि उन्होंने 11-11 रुपया लोगों से चंदा मांगा, बहुत लोगों ने चंदा दिया, चुनाव लड़ने के लिए दिया, दूध से दुग्धाभिषेक उनका किया जाता था, फिर भी जो है सो दोस्त ही नहीं। कहा जाता है कि सारे वहां के जितने उस लोकसभा क्षेत्र के जनता थे उसके साथ उनके साथ उन्होंने विश्वासघात किया था लोकसभा में। तो क्या लगता है कि आगे अगर वो पॉलिटिकल पावर में चाहें कि विधानसभा का चुनाव हाल ही में होने वाले हैं 2025 में, तो क्या अगर उभरते हैं तो उस प्रकार से प्रेम मिलेगा लोगों का? नहीं, उस प्रकार से नहीं मिलेगा, ये भी सच है। क्योंकि मनीष कश्यप जो चेहरा बन गए थे, वो चुनाव अगर लड़ते, हार जाते तो भी ब्रांड रहते, तो भी जनता प्यार करती। अगले साल जो विधानसभा का चुनाव 2025 में है उसमें प्यार मिलता, लेकिन अब एक दूसरा छवि बन गया, एक दूसरा इमेज बन गया मनीष कश्यप को लेकर। अब सबके दिमाग में ये घुस गया क्या कि मनीष कश्यप भी ये वही है जो सब है ना, वही है, ये भी वैसा नहीं है कि गरीबों के लिए ये सब दिखावा करता है। तो ये असर पड़ेगा विधानसभा का चुनाव, अब बीजेपी टिकट देगी कि नहीं देगी, कहीं लॉलीपॉप दिला दी है। देखिए हम भैया किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, जो बात है सीधी, बीजेपी में जब मनीष कश्यप गए तो हम भैया मनीष कश्यप के समर्थक हैं, तो हम समर्थक हैं, तो भाई दिल से जिसको चाहेंगे दिल से चाहेंगे, गलती करेगा कान में बोलेंगे, सोशल मीडिया पे गाली नहीं देंगे, मेरा नेचर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होकर गलती किए सही किए, हम इतना कहेंगे वो प्यार अब नहीं मिलेगा मनीष कश्यप जी को जो प्यार उनको पहले मिला था। और जो मिला था ना, सीरियसली जो प्यार मिला था बहुत हेवी वाला था, बहुत हेवी वाला। लेकिन कहीं ना कहीं एक और चीज़ हंसी लगता है कि बीजेपी में खाली शामिल हो गए उसके चक्कर में वो चुनाव नहीं लड़े, कम से कम टिकट दे देता। देखो बात समझ में आता कि टिकट मिला, मतलब खाली शामिल होने के चक्कर में। दूसरे तरफ पवन सिंह जी हमारे शामिल थे, पार्टी ठुकरा दिए, कहला कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब दूसरा एक बहुत अच्छा सवाल आप बोले थे कि चंदा चोर मनीष कश्यप चंदा चोर। देखिए ये गलत फहमी में है लोग। मनीष कश्यप क्या बोले थे, हम बहुत बार अपने वीडियोस में बोल चुके हैं, मनीष कश्यप बोले थे कि जब हम नॉमिनेशन कर देंगे, नॉमिनेशन 31 मार्च को शायद नॉमिनेशन हो, 31 चुनाव कब था, जून में चुनाव, वो नहीं नॉमिनेशन करने वाले थे, याद नहीं आ रहा डेट हमको, वो बोले थे कि नॉमिनेशन जिस दिन हम कर देंगे ना उसके बाद हम सबसे पैसा लेंगे 11-11 रुपये बाद में। तो नॉमिनेशन ही नहीं किए, तू पैसा कहाँ किसी से लिए? अब लोग कहते हैं कि सब उनको पैसा दिया, सब भेजा। देखिए पहला नंबर बात, मनीष कश्यप कोई स्कैनर QR कोड या कुछ भी अकाउंट नंबर जारी नहीं किए जिस पे लोग को कहे हो कि पैसा इस पे भेज दीजिए, नहीं। जब मनीष कश्यप जेल में थे या जब जेल से मनीष कश्यप निकले तो लोग जो है वो मनीष कश्यप को
उनके घर पर पैसा लड्डू चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए उनके घर पर पैसा लोग भेजते थे, उनकी मम्मी को भेजते थे कि पूजा कीजिएगा कोई मंदिर में मनीष कश्यप जी के नाम से, तो ये प्रसाद खरीद लीजिएगा, उसका पैसा है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। ये सवाल हम मनीष कश्यप जी से पूछे थे अपने इंटरव्यू में, वो भी यही बोले वो बात, और ये बात सही भी है, वो चंदा लिए नहीं थे। हाँ ऐसा होता ना कि वो स्कैनर जारी करते, अकाउंट नंबर जारी करते और ले लेते 1 करोड़ चाहे 2 करोड़ चाहे 1000 रुपया ले लेते और उसके बाद बैठ जाते, तो हम भी गाली देते, हम भी कहते कि चंदा चोर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पैसा नहीं लिए। और बीजेपी में शामिल हो करके वो, उनको भी अंदर से अब लगता ही होगा, क्योंकि कहाँ एक ज़माना जब मनीष कश्यप के यूट्यूब वीडियोस पर देखते होंगे लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, अभी हजार लाख लाख जाते जाते पूरा स्वाहा हो जा रहा है। तो मनीष कश्यप को खुद एहसास है कि वो गलती किए हैं, लेकिन चलिए उन्होंने कहा कि हमने अपना धर्म निभाया, जैसा उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जी उनके लिए किए, तो मनोज तिवारी बोले कि मनीष चुनाव मत लड़ो, तो वो मेरे लिए किए तो हम उनके लिए किए, बस इतना ही, तो चलिए ठीक है, उसको बराबर बराबर कर दिया। अब आने वाला विधानसभा चुनाव में तो मज़ा आएगा ही, देखिएगा।